इसके बाद मसाले के अंदर हल्की हल्की खटास है जो मसाले उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और टमाटर भी वैसे ही है, हल्की हल्की मिठास भी है, और जो मलाई ऊपर डाले उसका भी हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा फ्लेवर आया उसका। कबाब भी बहुत कमाल का, वो सारा ये सारा का सारा खाना जो ना टोटली कराची स्टाइल खाना है, बहुत ही चटपटा, बहुत ही लजीज और बहुत लाइट वेट। एक तो गोश्त गला प्रॉपर हुआ है, अंदर तक कुकिंग हुई है इसकी, ऊपर से जो उन्होंने मसाला डालना यार, ओह अखीर मसाला भी बहुत कमाल का। बासमती राइस है, बहुत मज़े का, चावल की अपनी खुशबू भी है और दाल का अलग बहुत कमाल का टेस्ट है। पीछे लड़ाई हो रही है, वो पीछे अंदरून, वेलकम टू अंदरून, इधर लड़ाई हो रही है भाई। कमेंट भी करें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी कर दिया करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर देना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। दिस इज साकिब मुबीन और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के अंदर, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंदरून लाहौर के अंदर, अंदरून में टेक्साली में मौजूद हूँ मैं। यहाँ पे बहुत सारा फूड चल रहा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा फूड स्ट्रीट बनी हुई है, एक तरह से है नहीं लेकिन एक तरह से बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे दुमचियाँ चल रही हैं, कबाब चल रहे हैं, दाल चावल चल रहे हैं, यहाँ पे चिकन के और बारबेक्यू चल रहा है, कबाब मसाला चल रहा है, और यहाँ पे तवा पीस, आरिफ शेख खारे का बहुत फेमस तवा पीस है वो चल रहा है, अंडा टिक्की, और बहुत मुख्तलिफ तरह का फूड यहाँ पे मौजूद है। कुछ इसकी वजह ये भी होती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजदूर तबका जो सारा दिन का काम करने के बाद थक के यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आके फूड ट्राई करते हैं, खाना खाते हैं। उसके अलावा कुछ यहाँ का ट्रेडिशनल फूड जो चल रहा है, तो यहाँ पे फिलहाल हम यहाँ पे दाल चावल है, एक बहुत फेमस दाल चावल है मुल्तानी दाल चावल, वो चेक करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद एक छोटा सा एक पॉइंट है, वहाँ से स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, मुर्गी के स्पेयर पार्ट्स, सब बिलाल है मुर्गी के स्पेयर पार्ट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुर्गी के स्पेयर पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स ही कहते हैं ना, स्पेयर पार्ट्स मुर्गी के स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, जिसमें दुमचियाँ होती हैं, पर होते हैं, कलेजी होता है, पोटा होता है, गर्दन होती है, चेस्ट का पीस होता है, और जो जो मुर्गी के स्पेयर पार्ट्स में आता है गोश्त के अलावा वो सब मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है, वो नया रिसेंटली ओपन हुआ है, यहाँ पे उनके पास बारबेक्यू है, उनके पास कबाब मसाला मिलता है और मलाई टिक्का उनके पास होता है। ये सारा कुछ ट्राई करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर। अच्छा, मैंने आज ना एक बात करनी है, करो के साथ बात ये करनी है कि भाई हमेशा इनको कहता हूँ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यार एक बात हमेशा रह जाती है, क्या यार इतने सारे हमारे लाइक्स होते हैं, कमेंट क्यों नहीं करते ये? यार वो कमेंट करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते यार इनको, इनको नहीं कमेंट यार, नहीं कमेंट कमेंट करना चाहिए। ये देखो लाइट कम हो गई ना, ये देखो लाइट ज़्यादा हो गई। हाँ, कमेंट भी करें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी कर दिया करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लोकेशन में आपको सिखा, पीछे लड़ाई हो रही है, वो पीछे अंदरून, वेलकम टू अंदरून, इधर लड़ाई हो रही है भाई। अच्छा यार, ये जो है ना अंदरून का एरिया, टेक्साली का एरिया है, ये राइट साइड पे आपको बहुत फेमस जो पॉइंट है, आरिफ चटखारा हाउस नज़र आ रहा है, ये आरिफ चटखारा हाउस है, सामने आरिफ होटल है, इस तरफ आप चले जाएंगे तो ताजमहल स्वीट्स आ जाएगी, इस तरफ अगर आप चले जाएंगे तो ये आ जाएगा आगे चांद शाह वाला एरिया। ये यहाँ पे ये पॉइंट है मुल्तानी चिकन दाल चावल एंड चना पुलाव। दोपहर के टाइम जो है इनके पास चना पुलाव होता है, लेकिन इस टाइम जो है दाल चावल इनके पास और शामी टिकिया इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान जी। अच्छा, तो ये क्या क्या होता है आपके पास? हमारे पास होता है दाल चावल, चना पुलाव, जर्दा और शामी टिक्की। अच्छा, दाल चावल, चना पुलाव, जर्दा और शामी टिक्की। शामी टिक्की। चना पुलाव तो दोपहर में होता है ना? हाँ, वो सुबह टाइम होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। दाल कौन सी है? चिकन चने होगी। चने वाली दाल है? जी जी। ठीक हो गया। कितने की प्लेट है ये? ये सर शामी के साथ 200 की है। ये सलाद डाल रहे हो? जी। अच्छा, कितने बजे खोलते हो? ये सुबह 9 बजे। और कब तक चलता है? रात 3 बजे तक। तो कितना पुराना चल रहा है ये साड़ा पाप? ये तकरीबन हो गए 15 साल हो गए। इसका मुल्तानी से क्या लेना देना? ये मुल्तान के लड़के हैं ना हम सब। आप मुल्तान के? सारे मुल्तान। मुल्तान कहाँ के हो आप? मुल्तान हम अलीपुर जतोई है। तो
परसों रात का वाकया, पानी की बोतल भर के ना मैं बाइक पे लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, मैं अपनी गली में मुंडे लगाऊँ ना, तो एक बाइक वाला ना, दो लड़के थे, उन्होंने ला के ना मेरी बाइक के आगे बिल्कुल रोक दी, और एकदम से पीछे वाला लड़का उतरा। मेरा तो तड़ा निकल गया सी कि भाजन अच्छ मोबाइल गया, उतर के की कहना है पाँच सेल्फी दे दो। यार इंज ना करया कर, तुहाडी मेहरबानी यार, यार वाकई ना करो यार, तुहाडी मेहरबानी, हालात नहीं ठीक है। एनीवेज हम यहां से दाल चावल ट्राई करते हैं, ठीक है। चना चावल इनके पास खत्म हो गए, दाल चावल हैं, दाल चावल छापनी के साथ वो ट्राई करते हैं। अब्दुल रहमान भाई, एक प्लेट मान ली बना दो यार, उसमें हमने दाल डालनी है, चावल डालने हैं, रायता सलाद शामी डालने के बाद है ना थोड़ी सी मोहब्बत डालनी है, ठीक है। बनाओ, बिस्मिल्लाह करो जी। ये चावल आ गए, ओहो ओहो ओ, ये शामी आ गई, दो शामी आ गई हैं, बहुत मोहब्बत डाल दी भाई। ये हमारे दाल चावल रेडी हो गए यार। मैं उन्हें उनसे कहा मोहब्बत डाल दें, उन्होंने दो दो चीज़ें पाती हैं, दाल भी ज़्यादा डाल दी है और शामी भी ज़्यादा डाल दी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मोहब्बत का मतलब है कि पैसे नहीं दूंगा, इसके पैसे मैं पूरे देके जाऊंगा। लो जी, ये सीन भी है भैया। आपके हैं कितने के लिए हैं? 28,000 का ये, और वो वाला 21,000। मैं खाने नहीं। तो जी हमारे सामने दाल चावल की प्लेट आ गई है, इसमें इन्होंने दो शामियाँ डाल के दी हैं, मोहब्बत के चक्कर में इन्होंने सामान ज़्यादा डाल दिया। शुरू करें भाई, ये बिस्मिल्लाह ही वाला बरकत। 1999 की बात है, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप चल रहा था, मेरे चाचू की शादी हो रही थी, चाचू की शादी पे मेहंदी वाले दिन इस तरह के दाल चावल पके थे, और आज तकरीबन 24 साल बाद मैं इस तरह के दाल चावल खा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा यार, कमाल भी पड़ा है, चावल भी पड़ा है, बहुत स्पाइसी दाल है, और काली मिर्च का इस्तेमाल इन्होंने ज़्यादा किया हुआ इसके अंदर, पूरा घोटा लगा के इन्होंने अच्छी तरह इसको जो है ना मैश कर लिया हुआ। घोटी हुई दाल है ये, खड़े खड़े दाल के दाने भी आ रहे हैं, और बहुत कमाल का फ्लेवर आ रहा है। जब चावल के साथ मिल रही, चावल में लग रहा है ये बासमती राइस है, बहुत मज़े का, चावल की अपनी खुशबू भी है और दाल का बहुत कमाल का टेस्ट है। नाउ लेट्स टेक एन ऑप्टिमम बाइट ऑफ दिस दाल चावल। आपका कुछ कहना है इसके बारे में? सर मैं आपको पता है बहुत खाता हूँ ये वाले, खाते रहते हैं हमेशा, क्यों खा रहे हैं? ओके, नाउ लेट्स टेक एन ऑप्टिमम बाइट, हमेशा की तरह। नाउ लेट्स टेक एन ऑप्टिमम, और चुप कर जा यार, हमेशा की तरह जनवरी 11 में यार लड़ती है मेरे साथ। दोस्तों आप कहते नहीं है इसको, आप खा ला भाई, खा ला मैंने ऑप्टिमम बाइट कह दे। नाउ लेट्स टेक एन ऑप्टिमम बाइट। ये यहाँ से जनाब, ये यहाँ से आएगा शामी, और ये साथ में आएंगे दाल चावल, ये दाल चावल ऐसे कर, इसके ऊपर आएगा थोड़ा सा सैलेड, रायता भी साथ ही आ गया। ये दिस इज़ द ऑप्टिमम बाइट ऑफ मुल्तानी दाल चावल। यार बहुत आ रहा, बहुत कमाल का फ्लेवर है। शामी जो है ना, वो दाल चने की दाल वाली शामी है, चावल जो थे ना बहुत। वालेकुम सलाम साकिब मुबीन साहब, कैसे हैं आप? तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुदर है? नहीं मैं नहीं पी रहा। वजारत सेहत कैसे हैं साकिब भाई? शुक्र लगा ठीक ठाक। आप सुनाए? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत शुक्रिया। बहुत ऐसे से इंस्टाग्राम पर आपको फॉलो कर रहा था, आपकी वीडियोस रोज़ देख रहा हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक तस्वीर आपके साथ? जी जी, मैंने पूरी वीडियो ले ली आप तस्वीर की बात। नहीं मैं आपको सेल्फी लेना चाह रहे हैं, बेटे को दिखा दूंगा ना तो खुश हो जाएगा वो। आप उसको ये वीडियो भी दिखा सकते हैं वैसे। कब आएगी ये? इंशाल्लाह संडे को। संडे को? हाँ जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ठीक है जी। ओके भाई जान, चावल बहुत मज़े के थे और दाल चावल बहुत कमाल के दाल चावल हैं। अगर आपने नहीं ट्राई किया उसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत देर से मैं पॉइंट देख रहा था लेकिन मैं यहाँ पर आ नहीं पा रहा था, तो अभी जो है ना एक और पॉइंट मुझे नज़र आया छोटा सा, ये वही जगह है, एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ पे सुबह के टाइम यहाँ पे आसिफ भाई है ना, मेरा ख्याल आसिफ नाम है उनका, वो बोंग पाए लगाते हैं यहाँ पे, एग्जैक्टली वही जगह है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह। कहाँ से हैं आप? पेशावर से, सही हो गया। ये आपके पास क्या क्या है? सारे चिकन के स्पेयर पार्ट्स हैं, ठीक हो गया। ये गर्दन है? ये आपने उसकी कमर तक उतार ली हुई है, ठीक हो गया। कितने की है ये? 70 रुपये की है, ठीक हो गया। और ये क्या चीज़ है? विंग्स हैं। ये कितने का है? बाजू पे कहते हैं, बाजू है, ठीक है ठीक है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन साहब, ठीक हो गया।
ये कितने की है? ये 60 रुपए की है। 60 रुपए की है। ये लेग है? लेग है 90 रुपए। 90 रुपए। अच्छा इतनी सी लेग 90 रुपए की है, ठीक हो गया। ये कलेजी पोटा? कलेजी पोटा। ये चिकन के कबाब है? जी जी। दोनों कितने के? 50 रुपए के, ठीक हो गया। ठीक हो गया भाई जान, यहाँ बहुत कमाल का सीन चल रहे हैं यहाँ पे। इस टाइम ना बहुत ज़्यादा फूड यहाँ पे चल रहा है, बारबेक्यू भी चल रहा है। वो भी बाद में ट्राई करते हैं, पहले एक और पॉइंट है वहाँ पे भी, वो चिकन के स्पेयर पार्ट्स आगे बैठे हुए हैं। छोटा सा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन वो साफ़ सुथरा, काफ़ी ज़रा ना साफ़ सुथरा उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ अपना। उनके पास भी चिकन के स्पेयर पार्ट्स होते हैं। वो आगे आरिफ शेख खा रहा है, उसके आगे मुल्तानी दाल चावल से आगे हम आ गए हैं। तो आगे आएंगे ना तो ये छोटा सा एक पॉइंट है, ये कोई होटल है, ग्लोब होटल। अच्छा ये ग्लोब होटल है, उसके बिल्कुल साथ ये पॉइंट है यहाँ पर ना। इनके पास भी हैं चीज़ें, इनके पास भी अच्छा चीज़ें हैं। ये चिकन के हैं, लेग है, ये चेस्ट है, ये गर्दन है, ये विंग्स हैं, ये कलेजी पोटा है, ये पर है, ये कबाब है, ये भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। क्या नाम आपका? हुमायूं भाई, ठीक हो यार। ये कितने कितने का है? ये 60 का, ये 60 का, ये बाजू है, ये विंज है। ये क्या है? ये भी विंज है। इसमें आपने वो आगे ऐसा उतारा हुआ, पर उतारे हुए इसमें से? नहीं नहीं, ये हल्के होते हैं। अच्छा होते हैं। फर्क क्या है, क्यों हल्के भारी क्यों है? रेट का होता है ना। मुर्गी का फर्क है? नहीं, छोटी मुर्गी होती है, बड़ी छोटी मुर्गी, वही ना मुर्गी के साइज का फर्क है ना। ठीक हो गया। और ये यार ये बड़ा प्यारा लगा आपने माशाल्लाह, 80 रुपये का, ठीक हो गया। और ये कबाब 50 60 का, ठीक है। 250 का एक, इसे उठा के खाना जरा। ये 250 का इसलिए, इसमें मिर्च लगी हुई है इसलिए। फिर भी 250 का। अच्छा तो आपको पता है महंगी हो गई है। हाँ सही है, ठीक है ठीक है। ये थाई का सी पीस है, ये चेस्ट का, ये भी 250 का, सही हो गया, ठीक हो गया। 7 ईयर्स हो गए ना, तो आपने ही शुरू किया ये? पहले आप क्या करते थे? लेडीज़ बैग का काम करते थे। अब ये चल रहा है, तो ये कैसा चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। अच्छा यार ये आप ये चिकन कहाँ से लेते हो? फ्रेश लेते हो? मुर्गी चला के चेक करते हो? चलती तो है नहीं वो यार, छोटी सी नहीं, पक्की बात है ना, अपने सामने ज़िबा करवाते हो ना? बस ठीक है, गारंटी है आपके कहने पे। हम माशाल्लाह आप उम्रा करके आए? नहीं झूठ तो यहाँ से ना भी हो गया फिर भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक हो गया। चले माइयों भाई आप ऐसा करें, मार लेना एक लाइक कर दें। दो खाए ना, दो यार इसको एक खिलानी हमने, दो एक खा नहीं सकता आप, खा लेना आप, ठीक है। अच्छा ये ऑयल आप कितनी देर बाद चेंज करते हैं भैया? ये 4 दिन बाद। अभी दिखाओ इसका कलर कैसा है, गोल्डन है? गोल्डन ये काला। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, ऑयल साफ है। हाँ ये चीज़ मैं वो बता रहा था पॉइंट पर ना, मुझे एक चीज़ जो स्पेशल लगी थी ना वो ये था, पीछे भी मिल रहे हैं ये चीज़ें, लेकिन यहाँ पर मेरे आने की वजह थी कि बहुत साफ सुथरा सेटअप है। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि जिस तरह आपने किया ना सर, आपको शायद कोई आपको जॉब करते थे पहले, क्योंकि आप काफ़ी पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे ना, बड़ा साफ़ सुथरा निज़ाम है माशाल्लाह, ये अच्छी चीज़ है। अगर आप एक आपको मशवरा है वैसे, अगर आप सर पे कैप ले लेना और होती है वैसे ही नहीं पहनी हुई, चले कोई बात, वैसे एक मशवरा है अगर वो भी ले लेना तो ये ज़रा अच्छा बेहतर हो जाएगा, अच्छा मतलब कि बेहतर हो जाएगा, खाने वाले का भी दिल करता है यहाँ पर आगे खाने का। तो अभी हम इनसे लेग ट्राई करते हैं और एक गर्दन ट्राई, गर्दन डाल दिया आपने, गर्दन ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। यार मैं खाता नहीं कलेजी पोटा, खाएगा देख मजा आएगा। नहीं यार खाएगा देखेंगे। नहीं नहीं एक चेक करते, ये बिलाल खाएगा, बिलाल खाएगा। ओहो हो खाओ, गरम बहुत है क्या? मैं हमेशा हड्डी होती बीच दे, तू ही खाओ भाई। मजेगा इधर आओ, इसकी ऑप्टिमम बाइट बना के दिखाओ जरा। ओए ऑप्टिमम बाइट पहले उन्होंने डुबोड़ा सी बीच यार, दुमचियाँ भी रखी हुई हैं। अच्छा यार एक बड़ी गलत फहमी थी, ये जरा उठा के दिखाते हैं, पहले पार उठाएं। मैं ना सारी ज़िंदगी जो है ना मैं इसको दुमची समझता रहा हूँ तो मुझे बाद में पता चला ये पार होता है, ये होती है दुमची माशाल्लाह। ओहो हो बहुत कम होता है कि फूड को देख के मेरे मुँह में पानी आ जाए। अरे बहुत मजे की लग रही है मुझे, यार क्या कमाल फ्लेवर है यार, ये बहुत आला यार, बहुत ही कमाल है।
एक तो गोश्त गला प्रॉपर हुआ है, अंदर तक कुकिंग हुई है इसकी, ऊपर से जो उन्होंने मसाला डालना यार, ओह अखीर मसाला भी बहुत कमाल का। हक बहू चरगा जो है ना वो मिलता है उधर रंग महल में, रात को 9-10 बजे के बाद लगाता है तवा पीस और चरगा, ये मुझे उस लेवल का लग रहा है ये, बहुत आला यार। ओह अभी जो हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, मतलब वापसी की तरफ जा रहे हैं, आरोचन खारे की तरफ, एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, वो रिसेंटली ओपन हुआ है तकरीबन, शायद नया ही खुला है, पूछते थे जाके कितना पुराना है कितना नया है। उनके पास जो है ना कबाब कढ़ाई होती है, कबाब मसाला। हेलो अंकल, उनके अंकल वेदे पर पता नहीं पाया तेरे अंकल ने, उनके पास जो है ना कबाब मसाला होता है और उनके पास मलाई टिक्का होता है। ये पॉइंट आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जी अर रहमान, ये थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा, अर रहमान बारबेक्यू एंड ग्रिल चढ़गा, ये पॉइंट है जी इनके पास। अस्सलाम वालेकुम यार, क्या हाल है, ठीक ठाक है? अल्लाह का, क्या नाम है आपका? मैंने यासीन है। यासीन जी, माशाल्लाह। यासीन भैया आपके पास क्या क्या होता है? हमारे पास ये चिकन टिक्का होता है, मलाई बोटी होती है, रेशमी कबाब होते हैं, बिहारी कबाब होते हैं। अच्छा, और पीस होते हैं, नेबलेट होते हैं, फिश वगैरह, चिकन कढ़ाई है, फिश वगैरह, चिकन कढ़ाई भी है यहाँ पे, चिकन कढ़ाई है, कबाब मसाला है हमारा, टिक्का मसाला। अच्छा, कबाब मसाला, मैंने आपसे कबाब मसाला के सुना आपका, आपका कबाब मसाला और आपकी मलाई बोटी जी, ये दो चीज़ें, ये दो हमारे स्पेशल है, बहुत स्पेशल मसाला इस इलाके में हमारा न्यू है। हाँ, मुझे किसी ने बताया यहाँ पे ना भाई की एक दुकान है, उन्होंने भी मुझे बताया आपके बारे में कि ये थोड़े अरसे पहले ही आए हैं जी जी, और इनका बहुत ज़्यादा मलाई टिक्का बहुत कमाल गया और उन्होंने एकदम रेट बढ़ा दी, ये भी बताया उन्होंने मुझे। बढ़ाया इसलिए है कि महंगाई इतनी हो गई है, देखो आप चिकन महंगा हो गया है, महंगा हो गया, बाकी सब चीज़ें महंगी हो गई। चिकन आप कहाँ से लेते हैं? चिकन हमारा आता है इस्लामपुरे से। आपने कितनी देर पहले शुरू किया ये? हमारा तकरीबन कोई 4-5 महीने हो गए हम कढ़ाई वगैरह स्टार्ट किया है। बारबेक्यू तो हमें, बारबेक्यू तो हमारे 2 साल हो गए हैं तकरीबन। बारबेक्यू 2 साल हो गया। कबाब मसाला कितने की प्लेट है? कबाब मसाला 400 रुपए की, 400 रुपए की प्लेट है। और मलाई टिक्का? मलाई टिक्का है वो 200 रुपए की सीख है और किलो जो है वो 1300 रुपए। किलो 1300 रुपए का। आप एक दो सीखे करते हैं और साथ में जो है वो आप एक कबाब मसाला करते हैं? ठीक हो, ठीक है। अच्छा, ये चिकन कबाब है? ये चिकन कबाब रेडी होंगे, इधर तैयार होंगे। इसका कलर देखे ना मुझे नज़र आ रहा है कि वाकई बहुत मज़े की मलाई बोटी भाई। ठीक है, कबाब जो है ना हमारे, ये हमारे कबाब है, कितने कबाब हैं ये? ये 3 सीखे। 3 सीखे हैं, 3 कबाब है ना, उसका आप ये एक प्लेट बनती है। ये आपने मसाला पहले से बना के रखा हुआ है, इसमें क्या क्या डालते हैं आप? टमाटर और प्याज है। टमाटर और प्याज है, हरी मिर्च भी नज़र आ रही है, लहसुन भी डला हुआ है लग रहा है मुझे, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डला हुआ है इसके अंदर, और नमक मिर्च भी डाली हुई आपने, नमक हरी मिर्च एक बार, अदरक आ गया जी, आ गई मिर्चें, अदरक की हरी मिर्च है, ठीक हो गया। ये खुश्क धनिया, सूखा धनिया आ गया। अगर आपने खाना हो तो आप स्पाइसी खाएंगे कि नॉर्मल खाएंगे? हम लाइट खाते हैं। आप लाइट खाते हैं, चलो यार हम भी लाइट खा लेंगे यार आज, लाइट बना दें यार थोड़ा सा। ये तैयार हो गया, ओ भाई जान, ये सीन भी था, ये प्यार है ऊपर, ये प्यार डाला आपने, प्यार यार। ये हमारे सामने जो ना कबाब मसाला, ये किसी कढ़ाई से कम नहीं लग रहा देखने के अंदर, और ये जो है ना ये मलाई बोटी दो। अच्छा, वहाँ पे जब सीख पे लगी थी ना, लग रहा था बहुत सारी है, वो निकिया निकिया प्लेट बड़ी, उन्होंने प्लेट बड़ी दे दी ना, उस वजह से जो है ना वो खाली खाली लग रहा। फिलहाल साहब आप ये, मैं आपको एक बोटी खिलाता हूँ हाथ से अपने, ठीक है, आपको मज़ा आना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा यार। ये चेक करो, ये बोटी चेक करो, माशाल्लाह बहुत कमाल की है। एक बात जो ना वो पता लगी भाई के बारे में, लेकिन उसने बताने से मना कर दिया कि आप ना बताएं, वो ये है कि इनके जो नाना है ना वो बहुत कमाल का बारबेक्यू लाहौर में देते हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि इन्होंने मना किया है, और उनकी भी रूट्स कराची से हैं, इनकी रूट्स भी कराची से हैं। आप ये मलाई बोटी खाएं, मज़ा आया, ट्राई करते हैं। ग्रीन को मसाला स्पेशल लगाया हुआ शेखर ने ना इसमें, बिस्मिल्लाह। यार बहुत कमाल की मलाई बोटी है, बहुत ही कमाल की मलाई बोटी है, टोटली कराची स्टाइल बारबेक्यू है। अगर इन्होंने बिहारी बोटी और गोला कबाब वगैरह शुरू नहीं किया इनको कर लेना चाहिए, क्योंकि प्योर ऑथेंटिक कराची स्टाइल बारबेक्यू है, ऑथेंटिक कराची स्टाइल ये मलाई बोटी है। और एक और बात, ये अंदरून के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो ज़्यादातर चल रहे होते हैं पुराने, बहुत ज़्यादा पुराने, अपने बाप दादा के काम को लेकर लोग चल रहे होते हैं। इन्होंने काम स्टार्ट किया सिर्फ 2 साल पहले और एकदम हाइप आई है इनके पास, मिला वजह नहीं है किसी वजह से ही है। ओके जी, नाउ लेट्स टेक एन ऑप्टिमम बाइट ऑफ मलाई बोटी। ये मलाई बोटी साथ थोड़ी दिनों से इन्होंने चटनी दी हुई, ये ट्राई करेंगे, और साथ में जो है ये रायता, ये दिस इज़ द ऑप्टिमम बाइट ऑफ मलाई बोटी। मैं रोटी के साथ नहीं खा रहा क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा, बारबेक्यू को ऐसे खाना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे ही खा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। ये चटनी है ना लाल रंग की, ये मीठी चटनी है, इमली आलू बुखारे की शायद,
और साथ पुदीने वाला रायता और बहुत कमाल किस्म का ब्लेंडेड फ्लेवर है, प्रॉपरली बैलेंस्ड फ्लेवर है इसके मलाई बोटी के, बहुत आला यार। अगर मैं ये कहूँ दिस इज़ द बेस्ट मलाई बोटी इन लाहौर, बेस्ट मलाई बोटी इन लाहौर, मैंने बहुत जगह से मलाई बोटी खाई है, इस लेवल की मलाई बोटी नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही बता रहा हूँ, इस लेवल की मलाई बोटी किसी के पास नहीं है, लाहौर में किसी के पास नहीं है, बहुत अलग यार। मलाई बोटी का जो फ्लेवर है ना बिल्कुल वो जैसे क्रीमी क्रीमी फ्लेवर होता है वैसे है, थाई का पीस उन्होंने यूज़ किया हुआ है, मलाई बोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा नरम, टेंडर पीस है इसका, चबाने में बहुत आसान है, नरम है, और जो मसाले इसके ऊपर लगे हुए हैं बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आपको मिर्चे लगेंगे खा के, बहुत बैलेंस फ्लेवर, जिसको कम जिसको मिर्चें मना है, कोई बंदा मिर्चें नहीं खाता तेज़, वो भी मलाई बोटी खा सकता है, बहुत आला यार। अब आते हैं कबाब मसाले, इसका कबाब मसाला ट्राई करते हैं, ये जो कबाब है चिकन के कबाब हैं, इसके ऊपर उन्होंने क्रीम डाल के अपनी मोहब्बत का इजहार किया थोड़ा सा, वैसे इसको ट्राई करते हैं यहाँ से। ये एक ग्रेवी, सिंपल पहले सिंपल सी ग्रेवी मैं आपको दिखा दूँ, ये जो ग्रेवी बनी है ना, जितना भी उन्होंने प्याज टमाटर का पानी बनाया हुआ था उस सारे को उन्होंने पका पका के गाढ़ा कर लिया है, और ये ग्रेवी बन गई है इसकी, ये चीज़ यार। ये कबाब मसाला नहीं भाई, कबाब मसाला ना उसमें जो मसाला था ना खड़ा खड़ा होता है, ये कबाब की उन्होंने कढ़ाई बनाई हुई है, जो सारा मसाले की ग्रेवी का फ्लेवर है वो सारे का सारा जो है ना वो कढ़ाई वाला फ्लेवर है, जो कढ़ाई की ग्रेवी होती है ना उसका फ्लेवर है ये, बहुत अलग यार। ये कबाब आ गया और यहाँ से आएगी ग्रेवी, ये शाशा ग्रेवी, ये कबाब मसाला, कबाब मसाला नहीं कबाब कढ़ाई है इसको, कबाब मसाला का नाम इन्होंने दिया हुआ है, मेरे हिसाब से ये कढ़ाई है। ये जो ग्रेवी है ना सारा फ्लेवर ग्रेवी के अंदर है, बहुत कमाल। कबाब मसाले में ना ग्रेवी कम होती है, थोड़ा मसाला खड़े खड़े मसाले होते हैं, प्याज खड़ा खड़ा होता है, टमाटर खड़ा खड़ा होता है, इसमें बिल्कुल ग्रेवी उन्होंने बनाई हुई है। नाउ लेट्स टेक अन बाइट ऑफ दिस कबाब मसाला, इसमें हम सारा कुछ डाल देते हैं, जो जो है जूलियन कटिंग वाली हरी मिर्च और ये जो है ये अदरक आ जाएगा, सारा मवाद लेके हम साथ में कबाब उठाते हैं, ये कबाब आ जाएगा और ये आ जाएगी इसकी ग्रेवी, ये लो दिस इज़ द ऑप्टिमम बाइट ऑफ कबाब मसाला फ्रॉम रहमान बारबेक्यू टक्साली गेट लाहौर। बिस्मिल्लाह। ओए यार जो हरी मिर्च ने फ्लेवर दिया ना बहुत कमाल भाई, एक फ्रेशनेस आई है, हरी मिर्च बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश है और जूलियन कटिंग में है, उसके जूलियन कटिंग से ना वैसे मुझे पता नहीं है इस चीज़ का, सिंपल कट से और जूलियन कट से फ्लेवर चेंज हो जाता, थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता होगा फ्लेवर के अंदर, लेकिन वो बहुत कमाल, फ्रेश अदरक फ्रेश मिर्च और सारा कुछ मिलाकर बहुत कमाल की बाइट बनी है। इसके बाद मसाले के अंदर हल्की हल्की खटास है जो मसाले उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और टमाटर की वैसे ही है, हल्की हल्की मिठास भी है, और जो मलाई ऊपर उन्होंने डाली उसका भी हल्का सा बिल्कुल हल्का सा फ्लेवर आया उसका। कबाब बना हुआ है जो बारबेक्यू में कबाब बना था वो कबाब भी बहुत कमाल का, वो सारा ये सारा खाना जो ना टोटली कराची स्टाइल खाना है, बहुत ही चटपटा, बहुत ही लजीज और बहुत लाइट वेट, आपको बिल्कुल भी स्टमक पे जो इसके मसाले हैं इतने तेज़ नहीं है कि आपको स्टमक में तजाबियत हो या आपको कोई मसला ऐसा वैसा हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं है, और इतने चटपटे हैं ये कि मैं खा के मज़ा आ रहा है, पता लग रहा है कि भाई कराची का फूड खाया जा रहा है यहाँ पर। अगर आप लाहौर के अंदर कराची स्टाइल बारबेक्यू चाह रहे हैं, कराची स्टाइल कढ़ाई का मुझे पता नहीं कि कैसी है, लेकिन ये कबाब मसाला बहुत आला भाई, बहुत कमाल का पॉइंट, अगर आप नहीं आए तो यहाँ पर आ जाए मजा। एक रिक्वेस्ट है आपसे, वो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आप, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, लोग मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, मैसेज करते हैं फेसबुक पे, मैसेज करते हैं, उसमें वो होता क्या है कि वो एक प्रॉपर एक ऑप्टिमम बाइट बनाते हैं लोग, कि ये अपना चावल पकड़ते हैं और जिस तरह मैं ऑप्टिमम बाइट बनाता हूँ इस तरह से आप लोग भी ऑप्टिमम बाइट बनाते हैं। आप लोगों के लिए एक ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो, अगर आप बुरा ना माने और आपको अच्छा लगे तो आप एक छोटा सा क्लिप बना के जिसमें आप पहले प्रॉपर एक पूरी बाइट बनाएंगे उसकी, आप पहले बोलेंगे लेट्स टेक एन ऑप्टिमम बाइट, उसके बाद एक पूरी बाइट बनाएंगे, आपने वो खानी है और उसके बाद आपने उसकी जैसे भी आपके एक्सप्रेशन है आपने देने हैं, माशाल्लाह कहना है, सुभानअल्लाह कहना है, ओए होए होए आपके दिल से निकलता है वो भी कह देना, और वो आपने मुझे ईमेल कर देना है business.halalvlogger@gmail.com पे। वो वीडियो मैं अपनी वीडियो के दरमियान कहीं ना कहीं पर लगा दूंगा, स्टार्ट में लगा दूंगा, एंड पे लगा दूंगा, दरमियान में कहीं समझ में आई मैं लगा दूंगा, आप लोगों को एक मौका मिलेगा इंशाल्लाह कि मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों का आप लोगों की ऑप्टिमम बाइट नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगे आप कर दें, बाकी खाना बहुत कमाल है भाई यहाँ पे, दिस इज मतलब एक हिडन जेम फिर मिल गया यार, हम हिडन जेम ढूंढते फिरते हैं, यहाँ कुछ चल गया हमारे सामने आगे, मैं यहाँ पे जो पॉइंट्स कवर करने आया था वो कुछ और थे, मैं जो सोच के आया था वो कुछ और था, और जो वीडियो बनी वो टोटली कुछ और है, मतलब जितने भी पॉइंट मैंने कवर किए इनमें से एक भी मैंने नहीं सोचा हुआ था कि मैं यहाँ 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 पर जाऊँगा, एक पॉइंट हम कवर करना है वो बंद हो गया, वो चला गया, दूसरा पॉइंट हम कवर करना है वो पहले से बंद था, तीसरे पॉइंट पर जाते थे हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया हम वहाँ नहीं गए, तो तीनों ही एक रैंडम पॉइंट्स हमें मिले और तीनों ही हमारे लिए बहुत कमाल पॉइंट्स थे यार, दाल चावल भी बहुत कमाल के थे, उस भाई के बाट्स भी बहुत कमाल के थे, और ये खाना बहुत आउट क्लास है भाई,
अगर आपने तीनों पॉइंट्स ट्राई नहीं किए और टेक्साली में आप किसी टाइम रात के टाइम आते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे आरिफ शट खराब आते हैं, अगर आप वहाँ पे आते हैं किसी टाइम पहले या बाद में, ये तीनों पॉइंट्स आप ट्राई कर सकते हैं। इन तीनों की लोकेशन पास पास ही है, एक ही लाइन के अंदर तीनों मौजूद है। ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बिलाल का चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। ओ आपका शुक्रिया। और साकिब का चैनल सब्सक्राइब करें और लाजमी कमेंट लाजमी किया करें यार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के कमेंट आएंगे। बिलाल ने आपके सारे कमेंट्स पढ़े लास्ट टाइम, क्योंकि मैं बिल्कुल पढ़े, क्योंकि कमेंट्स में आप लोग सजेशन दे रहे थे कि आप बिलाल के चैनल का नाम क्या होना चाहिए। तो बिलाल इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ बिलाल को अकल आ जाएगी थोड़ी, और बिलाल अपने चैनल का नाम ड्रिंक वीनस 28 हर दफ़ा निकल गया तो मैं की करा। बिलाल, मैं उम्मीद करता हूँ बिलाल इस चैनल का नाम चेंज करके कोई इंसान वाला नाम रख लेगा, वो अच्छा नाम रख लेगा। विच दिस इज़ माई इंस्टाग्राम, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम। आपसे गपशप होती है, मुलाकात होती है, लाइव जाता हूँ, बातचीत होती है, और जिस सिटी में मैंने जाना था वहाँ के बारे में स्टोरीज रखती है, जो भी अपडेट आ रही होती है उसकी स्टोरीज इंस्टाग्राम पर रखती हैं। आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप कराची का सारा फूड बना रहे हो तो आप बिहारी बोटी भी बना सकते हो जी जी, और गोला कबाब भी बना सकते हो। नागा कबाब से कहते हैं, कब शुरू कर रहे हो? यहाँ सेल आउट नहीं होता, बनाया है यार। कितना बनाया है? सेल आउट नहीं होता यार। होगा, दोबारा ट्राई करो, मैं आपसे ट्राई करने आऊँगा, मैं यकीनन ट्राई करने आऊँगा, क्योंकि आपका फूड टोटल कराची वाला है, ये मुझे आपकी खा के टेस्ट से पता लग गया। तो ये आप दोबारा स्टार्ट करें, पराठा, पूरी पराठा, पूरी पराठा साथ में आपने बिहारी बोटी और आमचूर की चटनी, ठीक है, ये आपने कर रहा है स्टार्ट। बहुत कमाल फूड है भाई, अगर ये लाहौर में मिल जाए ना बहुत एंड, आपको इस तरह का टेस्ट पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। मतलब इस तरह की टेस्टी चीज़ कोई नहीं है जितनी टेस्टी ये चीज़ें होती हैं। पूरी पराठा हो, साथ में बिहारी बोटी हो, ऐसे खोए की तरह गलने वाली, और साथ में आमचूर की चटनी हो, करेंगे आप? मैं आपको दोबारा आऊँगा। चलो आप मुझे कहना, बता देना कि हमने स्टार्ट कर दिया, मैं आ जाऊँगा, ठीक हो गया। ये जो है ना वीडियो ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक पॉइंट दोबारा दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप ये मिस ना कर दें। ये सामने आरिफ होटल है, उसके सामने आरिफ खारा, आरिफ खारा से आपने आना मुल्तानी दाल चावल की तरफ, उसके बाद ये तंदूर आएगा जहाँ पे आसिफ भाई सुबह के टाइम बॉन्ग पाई लगाते हैं, उसके बाद ये पॉइंट है भाई, ये वाला, ये ऊपर लिखा हुआ है अर रहमान बारबेक्यू, ये पॉइंट है भाई, मिस नहीं करना आपने इसको।